यानी पृथ्वी की दाखलता। अब ये पृथ्वी की दाखलता क्यों है? क्योंकि ये झूठी दाखलता, ये झूठे लोग हैं। परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में जब वो दाख रौंदे गए जो पृथ्वी की थी, लिखा उसमें से लहू निकला। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से तीसरे खंड में है परमेश्वर का सिंहासन और मोहरबंद पुस्तक। पिछले संदेश में हमने तीसरी मोहर के बारे में सीखा था। तीसरी मोहर से हमने सीखा था तेल और दाखरस की हानि ना होने देना, बल्कि हमने जो है सिर्फ तेल के बारे में सीखा था पिछले संदेश में। आज हम सीखेंगे दाखरस के बारे में। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5-6 पद के बारे में हम पहले पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का शेर भर गेहूं और दिनार का 3 शेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। पिछले संदेश में हमने ये सीखा था कि तेल की हानि क्यों नहीं करना, क्यों नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। परंतु आज हम जो सीखेंगे दाखरस के बारे में सीखेंगे कि दाखरस के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हम दाखरस की बात करते हैं तो अक्सर लोग जो है उनका ध्यान जो है इंग्लिश शब्द की तरफ चला जाता है कि दाखरस को वहां पर वाइन कहा गया है। जब वाइन वाली बात आती है तो अक्सर लोग जो है उसको शराब समझने लगते हैं कि इसको शराब बोला गया है, और जो ईसाई समाज के लोग हैं वो अपने चर्च में शराब पीते हैं। ऐसा नहीं है। दाखरस का मतलब होता है अंगूरों का रस, और इसके लिए जब हम परमेश्वर के वचन को जब नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम में से पढ़ते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप पढ़िएगा मती 26 का 29 पद, मरकुस 14 का 25 पद। जब आप इन दोनों पदों को पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है कि दाख का ये रस, ध्यान दीजिएगा, दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। दाख का ये रस, इसका मतलब क्या हुआ, यानी अंगूरों का वो रस। यहां पर वाइन की यानी शराब की बात नहीं है। यहां पर अक्सर लोग जो है शराबों की बात करते हैं, यानी अंगूर का ये रस जो है वो मैं अपने तब तक ना पीऊंगा जब तक अपने पिता के राज में नया ना पी लूं। बहुत ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अंगूरों को के इस रस को जो है वो बाइबल के अनुसार इसकी तुलना किससे की गई है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी। जब हम इन बातों को समझते हैं तब हम परमेश्वर के वचन की उस पवित्रता को समझकर अपने जीवन में जो है बनाए रखते हैं। और जब तक हम समझते नहीं है तो परमेश्वर के वचन की वो पवित्रता हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती, आती नहीं है। और जब हम समझ जाते हैं तो परमेश्वर के वचन की पवित्रता हमारे जीवन से प्रकट होती है और हमें जो है फिर बड़ा आनंद मिलता है। अब देखिए अंगूर के रस को क्या है, क्या कहा गया है, मती 26 उसका 28 पद, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया, मरकुस 14:24, और उसने उनसे कहा ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। अब ध्यान देने की बात है, यीशु मसीह जब अंतिम भोजन करने अपने चेलों के साथ बैठा तो अखमीरी रोटी का पर्व था। उसमें क्या था, अखमीरी रोटी तो थी परंतु इसके साथ साथ में दाखरस भी था। दाखरस का मतलब अंगूरों का रस भी था, और अंगूरों के रस को उठाकर उसने क्या कहा, जब अंगूरे के रस का प्याला उठाया और प्याला उठाकर उसने अपने चेलों की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये जो है ये वाचा का मेरा वो लहू है जो तुम्हारे निमित्त यानी मनुष्यों के लिए बहाया जाता। अब देखिए शराब उठा के तो वो ये नहीं कहेगा लहू, क्योंकि शराब की जो कंपेयरिंग है वो लहू से तो नहीं की जा सकती है। ये ध्यान देने की बात है। जब इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान करते हैं तब पता चलता हाँ कितनी गहराई है इन बातों में और कितनी सच्चाई है।
कि शराब को उठाकर कौन कहेगा कि ये मेरा लहू है, और लहू शराब की लहू से क्या कंपेयरिंग, अंगूर के रस को जो है वो उससे जो है लहू से कंपेयरिंग की गई है। और यीशु मसीह क्या कहता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना 15 अध्याय उसका पहला पद है, यहां क्या लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दाखलता के रूप में प्रकट करता है या अपने आप को दाखलता बताता है और कहता है मेरा पिता किसान होने का मतलब क्या है कि इस सच्ची दाखलता को जो लगाने वाला है वो मेरा पिता यानी स्वर्गीय पिता जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो सृष्टि करता है उसने लगाया है, मुझे इस सच्ची दाखलता को जो है उसने लगाया है। जरा समझे यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह जो है वो एक अंगूरों की बेल है यानी अंगूरों की लता है, एक सच्ची अंगूरों की बेल या सच्ची अंगूरों की लता यीशु मसीह को कहा गया है। अब ध्यान करना, अब लता है तो कोई भी पेड़ होता है उसमें टहनियां तो होती हैं, डालियां तो होती हैं, वो किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है, जरा इन बातों को समझें। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, यीशु मसीह ने अपने आप को दाखलता कहा यानी अंगूरों की लता, अंगूरों की बेल उसने अपने आप को कहा, और उस बेल की जो डालियां हैं वो कौन है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि वो तुम हो। क्यों हमें डालियां कहा, क्योंकि फल लता में नहीं उगते हैं, फल जो उगते हैं वो डालियों में लगते हैं, फल जो लगते हैं वो डालियों में लगते हैं, और वो इसलिए कहता है कि तुम डाली हो, यानी अंगूर की बेल यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं और इस डालियों में वो अंगूर के गुच्छे लगे होने चाहिए, यानी खून जो है वो किसका, प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे अंदर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो डाली हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। बहुत ध्यान देने की बातें हैं जो परमेश्वर कहता है, जब एज़ेकेल 9:4 और प्रकाशित वाक्य 7:3 और प्रकाशित वाक्य 9:4 पढ़ोगे, अब बड़ा ध्यान देने की बात है, इन जब पदों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर है तो उनको हानि मत पहुंचाना, या जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है या जिनके माथे पर चिन्ह नहीं किया गया है तो उनको हानि पहुंचाना, किसी हरियाली को किसी चीज को नहीं परंतु उनको पहचाना जिस पर परमेश्वर की मोहर नहीं है या जिसके माथे पर परमेश्वर का चिन्ह नहीं है। क्यों परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर है, वो दिखाता है। देखिए जब अच्छी क्वालिटी के फल आप देखेंगे तो उस पर मोहर लगी होती है, ये उत्तम क्वालिटी के हैं, यानी परमेश्वर के जो हम डालियां हैं उस डाली के अंदर जो अंगूर है उस अंगूर का जो रस है वो लहू से संबंधित रखता है, यानी यीशु का लहू जो हमारे अंदर है, हमारी अंदर जो डालियों में। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, एक डाली के अंदर अगर कोई भोजन वस्तु आती है तो वो बेल से होती हुई आएगी, और बेल से कहां आती है, वो जड़ से होती हुई आएगी, जड़ जो है वो तने को और तना जो पूरे बेल को और पेड़ को पचाता है, और पेड़ जो है तना जो है वो डालियों को पचाता है, पत्तियों को पचाता है, फलों को पचाता है, यानी यीशु मसीह के लहू का संचार जो है वो हमारे अंदर बना होता है, और अगर हमने इसको अपने जीवन में पवित्रता के साथ बना के रखा है तो समझो कि हम उत्तम क्वालिटी के वो अंगूर हैं, वो फल हमारे अंदर है जिसपे परमेश्वर की मोहर है, और परमेश्वर कह रहा है कि इनको हानि ना पहुंचाना। फिर क्या कहता है परमेश्वर, इसलिए तो वो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं जो स्वर्ग की दाखलता है। सच्ची दाखलता का मतलब क्या है, अगर प्रभु यीशु मसीह ये कहता कि दाखलता मैं हूं तो हम क्या उसे सच्चा नहीं मानते, हम तब भी उसे सच्चा मानते, परंतु यहां पर सच्चा दाखलता जो कहने का मतलब है, इसका मतलब है कोई एक और भी दाखलता है, ये तो स्वर्ग की दाखलता है, इस पृथ्वी की भी कोई दाखलता है, यानी झूठी दाखलता,
चलिए उसके बारे में भी पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, जब आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 14 पद से लेकर 20 पद तक। जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ क्या लिखा है। मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हसुआ है। फिर एक और सरदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अब ध्यान दीजिएगा, अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और सरदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चोखा हसुआ था। फिर एक और सरदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिसके पास चोखा हसुआ था, उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हसुआ लगा कर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। तब उस सरदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस कुंड में डाला गया और उस नगर के बाहर उस रस कुंड में दाख रौंदे गए और उस रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। अब यहां देखिए, आपने पढ़ा यानी पृथ्वी की दाखलता। अब ये पृथ्वी की दाखलता क्यों है? क्योंकि ये झूठी दाखलता, ये झूठे लोग हैं। अब ये दाखलता कौन है? ये शैतान है। और उसकी डालियां कौन है? जो उसकी बात को मानते हैं, जो उसके कथन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वो ये दाखलता है। और वो क्या लिखा हुआ है, यानी रसकुंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द आया रसकुंड, यानी उनका रस निकाला गया है परमेश्वर के प्रकोप के कुंड में। जब वो दाख रौंदे गए जो पृथ्वी की थी, लिखा उसमें से लहू निकला। पृथ्वी की दाखलता के गुच्छों को काट ले रसकुंड में। यानी कहने का क्या मतलब है, चाहे आप पृथ्वी की दाखलता के बारे में पढ़े, चाहे आप स्वर्गीय दाखलता के बारे में पढ़े, इनका लहू जो है अंगूर के रस का जो तुलना की गई है वो लहू से की गई है। और वो खास तौर से यीशु मसीह के लहू से की गई, जो हमारे लिए भाया गया और हमारे शरीर में जो है इसका संचारण जो होता है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, और वो जो है खून से जो है वो कहा गया है। इसलिए वो कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि वाचा का ये मेरा लहू, दाखरस यानी अंगूर के रस को कहता है। और इसलिए वो कहता है कि दाखरस को हानि मत करना, दाखरस की हानि मत पहुंचाना। क्यों? क्योंकि उसका संबंध जो है वो लहू से है। चाहे परमेश्वर के लोगों का लहू हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के लहू की बात हो। और इसलिए वो कह रहा है कि उसकी हानि ना। किसकी हानि नहीं? जो परमेश्वर के लहू में परिवर्तित है, जिसने परमेश्वर के इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लिया है, उनकी हानि मत पहुंचाना, उनकी हानि ना करने की बात कर रहा है। इसलिए कह रहा है कि उनके माथे पर चिन्ह कर दे, कि जिनके माथे पर चिन्ह है उनको मत छूना तू, जिनके माथे पर चिन्ह नहीं है तू उनको मार काट, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, सबको खत्म कर। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का लहू है और हम शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब पहला योहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो वहां रखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। उस लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं और हमारा लहू यीशु मसीह के लहू में परिवर्तित हो चुका है। जो दूषित लहू था, जो आपने देखा होगा ना, जिसे ब्लड कैंसर होता तो उसको पूरा लहू बदलाना पड़ता है। हमारे अंदर बहुत से कैंसर के कीटाणु थे, पाप के कैंसर थे हमारे अंदर। उस पाप के कैंसर के लहू को यीशु मसीह ने हमारे शरीर से निकालकर अपने पवित्र लहू को भरा है। हम शुद्ध और पवित्र हो चुके हैं और वो शुद्धता और पवित्रता यीशु के लहू के साथ हमारे अंदर से दिखाई देनी चाहिए। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब हम परमेश्वर के लोग नहीं, और परमेश्वर जो है हमारे माथे पर अपनी मोहर नहीं लगाएगा। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है वो नाश किया जाएगा।
परमेश्वर का वचन जो है इस बात को कहता है। और फिर क्या कहता है, जो जब हम दाखलता की बात करते हैं तो इज़राइल को भी कहा गया है, यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 21 वचन, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई है? जंगली यानी परमेश्वर ने उत्तम दाखलता इज़राइल को जो लगाया था, आज वही सच्ची दाखलता जो है हमारे पास से, सच्ची दाखलता जो प्रभु यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं, परंतु उस डाली के अंदर फल है ही नहीं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उस डाली में फल तो जो है वो संसार के और शैतान की चीजों के, संसारिक चीजों के, संसारिक लोगों के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब हम पृथ्वी की दाखलता है और पृथ्वी की दाखलता में पृथ्वी के साथ ही नाश हो गई। यह है दाखलता की बात। चलिए, जब शराब की बात आई है तो एक चीज और बता देगा, चलते चलते ऐसे ही बताना चाहता हूं ताकि आप समझ लें। योना 2 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा काना देश में, शहर में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है, लोग कहते हैं शराब बनाई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता शराब बनाई क्या है। जब अंगूर का रस जब आप निकालेंगे मशीन से तो वो फ्रेश होता है, परंतु उसी रस को उसमें अंगूर के, जब अंगूर से शराब बनाई जाती है तो उसमें मसाले मिलाए जाते हैं, जाने क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, दाखरस खत्म हो गया। ज़रूरी थोड़ी कि वो वाइन थी, दाखरस खत्म हो गया और उसने क्या कहा कि इन मशाकों में पानी डाल दो। 6 मशाकें रखी थी, मन मन समाता था उसके अंदर, उन्होंने पूरा पानी भर दिया, उन्हें लबालब भर दिया, कोई प्रार्थना नहीं करी, कुछ नहीं करी। जब पानी डाल दिया तो उसने कहा जाओ लोगों को बांट दो। भाई पानी डाला ना, उसमें कौन सा मसाला मिलाया, कौन सा उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर तू इसको शराब बना दे। मगर हमारे मसीह लोगों को जो पीने वाले पियक्कड़ होते हैं ना, तो वो कहते हैं अरे साहब प्रभु यीशु मसीह ने मैं बनाई तो हम क्यों नहीं बनाएंगे, हम क्यों नहीं पियेंगे, हम अपने घर में क्यों नहीं। कभी शराब के ऊपर भी संदेश देंगे तब पता चलेगा कि क्यों नहीं पीनी चाहिए। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कोई मैं नहीं बनाई, और ये दाखरस जो है ये इसको शराब समझने की गलती ना करें, क्योंकि ये यीशु मसीह के लहू से कंपेयरिंग होती है। जब हम प्रभु भोज के समय में लेते हैं, वो यीशु मसीह के लहू को पी रहे होते हैं, उसके जो रोटी होती है वो उसके जिस्म को दर्शाया जाता है। तो इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इसका संबंध जो है यीशु के लहू के से और पवित्र लोगों के लहू से, और इसलिए वो कहता है कि तू इनकी हानि ना करना, तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये थी तीसरी मोहर के बारे में, और तीसरी मोहर जो है यहाँ पर ख़त्म होती है, और तीसरी मोहर के बाद हम ध्यान रखें, इंतज़ार करें चौथी मोहर के खुलने के बारे में, कि चौथी मोहर में और क्या घटनाएं घटित होने जा रही। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दें।